इस्तीफा दे चुके हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर भी अपना बयान दे दिया है। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये केवल मजबूरी में जाकर इन्होंने जब चारों तरफ से फंस गए तब मजबूरी में इस्तीफा दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बावजूद, 20-20 महिलाएँ जब कोर्ट में पहुँच गई उसके बावजूद MJ अकबर साहब ने इस्तीफा इतने लंबे समय के बाद दिया। लेकिन हम फिर कहेंगे कि इस तरह के जो भी लोग मंत्रिमंडल में सुशोभित हैं, उन सब लोगों को जो गलत बयान देते हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं, जिसके ऊपर रेप के चार्जेस तक रहे हैं पहले, और वो केंद्रीय या राज्य सरकारें जो भाजपा की हैं उनके मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं या विधायक हैं, उनको मोदी साहब तुरंत अपनी पार्टी से बाहर करें। नेक्स्ट, भागवत जी के बयान आया है राम मंदिर को लेकर के, वोटिंग को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जब जब कोई भी चुनाव आता है तो BJP को हमेशा राम मंदिर और प्रभु राम याद आने लगते हैं, उसके अलावा हमेशा भूल जाते हैं लोग। 4.5 साल से इनकी सरकार थी, 3 रास्ते थे, या तो न्यायालय के थ्रू, या आपस में सहमति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और तीसरा मुद्दा जो था वो था कि आप ऑर्डिनेंस के थ्रू या संसद के थ्रू। लेकिन मोदी साहब की सरकार ने 4.5 वर्षों तक तीनों दिशाओं में एक भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनको ना प्रभु राम से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से लेना देना है, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद केवल और केवल वोट बटोरना है। अगर मुद्दा राम मंदिर बन गया तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। BJP हमेशा राम मंदिर, 84 कोस की यात्रा, गाय, गऊ, गंगा, गीता, ये सब हिंदू के प्रतीक, ये उनको केवल और केवल तब याद आते हैं जब चुनाव सर पर होते हैं। मोहन भागवत जी भी नौटंकी कर रहे हैं 4.5 साल से, क्या RSS और BJP की जो केंद्र की सरकार है वो पकौड़े तल रहे थे? अभी तक एक भी कदम उस दिशा में क्यों नहीं बढ़े ये लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से उच्चतम न्यायालय का सम्मान किया है, और संविधान का जो आर्टिकल 136 है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो इज़ द मेन आर्बिट्रेटर और इंटरप्रेटर फॉर एनी काइंड ऑफ लॉ। कानून की कोई भी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो अंतिम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है जेंडर जस्टिस के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। लेकिन जहां पर हमारी लोकल बॉडी क्या केरला का सवाल है, अगर वहां की कोई भावनाएं हैं, लोकल भावनाएं हैं, तो उसको भी हम संवैधानिक तरीके से केरला सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा यहाँ पर कोई बयान दे रही है दिल्ली में, और त्रिवेंद्रम में जाकर बयान कुछ और दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से दोहरा रवैया है और दोहरा चरित्र है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को अभी विदेश यात्रा पर रोक लगा दिया 19 चुनाव तक। देखिए, मैं समझता हूँ विदेश यात्रा कोई कौन मंत्री जा रहा है, किस पर्पज़ से जा रहा है, अगर ज़रूरी है और वहाँ से कोई इनपुट है, कोई शिक्षा है, तो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर केंद्र सरकार की सरकार तक किसी भी मंत्री ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। मैक्सिमम मोदी साहब और योगी साहब के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो डम्मी मंत्री हैं। वहाँ पर PMO चला रहा है, लखनऊ में जो है अधिकारी चला रहे हैं पूरे सरकार को, मंत्रियों की कहाँ पर कोई किसी तरह की यथास्थिति ही नहीं है प्रशासन में। उनके किसी तरह का जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, मोदी साहब ने पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया है। ये सब नौटंकी हैं। आज देश का युवा, देश का गरीब त्राही त्राही कर रहा है। आज आप किस तरह के जो जुमले छोड़ रहे हैं, मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, मुझे लगता है इनसे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी सरकार भी जा रही है और योगी सरकार भी आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से जनता वहां की उखाड़ कर फेंक देगी। ठीक है जी।